द लास्ट लीफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं द लास्ट लीफ। दिल्ली में फैली नफरत की आग धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, लेकिन ठंडा होने से पहले इस आग ने 41 जिंदगियों को निगल लिया। अब समय है कि ये पता किया जाए कि इस दंगे का मुख्य कारण क्या था। पर जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये दंगा दो चरण में हुआ है। पहला वो जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, और दूसरा जिसमें इस दंगे के मुख्य कारण से लोगों का ध्यान हटाने का खेल शुरू होगा। द वायर, बीबीसी हिंदी, लल्लन टॉप, रवीश कुमार और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि इस दंगे के चारों तरफ कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस की नाकामी का नैरेटिव सेट हो। लल्लन टॉप के एक प्रोग्राम के दौरान राजदीप सरदेसाई और सौरभ द्विवेदी इस पूरी कोशिश में लगे रहे कि इस दंगे के लिए पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जा सके। वो पूरे प्रोग्राम में यही बात करते रहे कि दिल्ली पुलिस कितनी इनकॉम्पिटेंट है और कितनी इल प्रिपेयर्ड है। हम बात करेंगे, दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस दंगे का मुख्य कारण क्या है, ताकि जो ये सारा का सारा डिस्कोर्स है उसी मुख्य कारण के चारों तरफ हो और भविष्य में इस तरह के दंगों की भेंट देश का कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला ना चढ़े। मुख्य कारण है शाहीनबाग में चल रहा एंटी सीएए प्रोटेस्ट। इन प्रोटेस्टर्स की बातचीत सुप्रीम कोर्ट से चल रही थी, लेकिन अचानक ही एक दिन एक भीड़ जाफराबाद और चांदबाग में इकट्ठा होती है और दोनों तरफ के आने जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे वहां रह रहे लाखों लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। वो अपने ही घरों में कैद होकर रह जाते हैं, जिससे एक आक्रोश की स्थिति पैदा होती है, जिसका फायदा उठा के इन प्रोटेस्टर्स ने फुल फ्लेज्ड दंगा शुरू कर दिया। याद रखने वाली बात यह है कि इन प्रोटेस्टर्स को अच्छी तरह से मालूम था कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पे हैं और उस वक्त दिल्ली में हैं, और दिल्ली पुलिस का एक अच्छा खासा हिस्सा उनकी सुरक्षा में लगा हुआ है। इसी का फायदा उठाकर इन प्रोटेस्टर्स ने पूरी दिल्ली को जला दिया। दोस्तों, यही था मुख्य कारण दिल्ली में फैले दंगे का। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस की भूमिका पर। लल्लन टॉप के उस प्रोग्राम में राजदीप सरदेसाई और सौरभ द्विवेदी जब बात कर रहे थे, तो उनकी बातों का मुख्य केंद्र यही था कि दिल्ली पुलिस को शुरुआत में सख्त कदम उठाने चाहिए थे, और दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फेलियर रही है, और उनकी ये बातें मेरे गले से नहीं उतरती हैं। याद कीजिए 15 दिसंबर, जब जामिया के पास एक भीड़ अचानक ही पथराव करना शुरू कर देती है, बसों में आग लगा देती है, जिसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को तुरंत ही सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। तब यही वो लल्लन टॉप था जो उन दंगाइयों को मासूम छात्र बता रहा था, और उन दंगाइयों के चोट के निशान दिखाकर दिल्ली पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहा था। याद है ना आपको कि किस तरीके से लल्लन टॉप, द क्वेंट, द वायर, बीबीसी हिंदी, रवीश कुमार जैसे लोग उन दंगा फैलाने वाले दंगाइयों को हीरो की तरह पेश कर दिल्ली पुलिस को मानसिक रूप से हरा रहे थे। याद है ना आपको? अब कैसे और किस मुंह से ये लोग कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए थे। दिल्ली पुलिस में भी हम जैसे आम इंसान ही होते हैं। आप लोगों ने उन लोगों के ऊपर इतना दबाव बना दिया कि वो लोग चाह कर भी तुरंत सख्त कदम नहीं उठा पाए। लल्लन टॉप, आपने पूछा कि दिल्ली पुलिस ने तुरंत सख्त कदम क्यों नहीं उठाया, तो जवाब मैं देता हूं आपको, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मनोबल आप जैसे लोगों ने पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। वो दंगाई जो दंगा कर रहे थे, आपने उनको एक छात्र के तौर पर दिखाया, मासूम छात्र के तौर पर दिखाया, आपने उनको हीरो बना दिया और दिल्ली पुलिस को विलन बना दिया। दिल्ली पुलिस कोई विलन नहीं है, उसमें भी हमारे और आप जैसे लोग ही होते हैं। और याद रखिएगा, जिन दंगों को आपकी मानसिकता से बल मिलता है, उसको उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य हेड कांस्टेबल रतन लाल को खोकर भी रोकने की पूरी कोशिश की। अब बात करते हैं कपिल मिश्रा की। उससे पहले चलिए कपिल मिश्रा का वो वीडियो देख लेते हैं। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है, सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करो।
दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कपिल मिश्रा कह रहा है कि हम दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे और अगर 3 दिन में रास्ते खाली नहीं हुए तो हम भी रास्ते पर बैठ जाएंगे। मैं कल राघव चड्ढा को सुन रहा था। राघव चड्ढा कह रहे थे कि हमने ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से निकाल दिया और बीजेपी को भी अपनी पार्टी से कपिल मिश्रा को निकाल देना चाहिए। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि ताहिर हुसैन के ऊपर कत्ल का इल्जाम है। वो वीडियो है जिसमें उनके घर से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, पत्थरबाजी की जा रही थी, और दूसरी तरफ है कपिल मिश्रा जिसने ये कहा था कि अगर 3 दिन में रास्ता खाली नहीं हुआ तो हम भी सड़क पर बैठ जाएंगे। मैं राघव चड्ढा की बात का समर्थन करता हूँ। अगर वो जहर भुजी भाषण करने वाले अमानतुल्ला को अपनी पार्टी से निकाल देते हैं, मैं समर्थन करता हूँ उनकी बात का। अगर वो मनीष सिसोदिया को अपनी पार्टी से निकाल देते हैं, जिस मनीष सिसोदिया ने यह अफवाह उड़ाई थी कि दिल्ली पुलिस ही बसों में आग लगा रही है, अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं भी बीजेपी से मांग करूंगा कि वो भी अपनी पार्टी से कपिल मिश्रा को निकाल दें। दोस्तों, ये सब होता रहेगा, लोग अलग अलग तरह की नैरेटिव रचते रहेंगे, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा डिस्कोर्स केवल उस मुख्य कारण के चारों तरफ हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम।